हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। पिछले क्लास में जो क्वेश्चन दिए थे, आई होप आप सब लोगों ने उसको अच्छे से कर लिया होगा और आपको वो फॉर्मूले भी जो है वो अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। आज के क्लास में हम लोग उसी के ऊपर बेस्ड जो अलजेब्रिक आइडेंटिटी पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था, कुछ फॉर्मूले डिस्कस किए थे, उन्हीं के ऊपर कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं जिससे कि आपको वो सारे के सारे जो फॉर्मूले हैं वो अच्छी तरीके से याद हो जाए। तो देखिए, उसी के बेस पे मैंने एक क्वेश्चन जो है वो यहाँ बोर्ड पे लिखा हुआ है, लिख के रखा हुआ है पहले से ही। तो यहाँ पे क्या है क्वेश्चन, फैक्टराइज द एक्सप्रेशन एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल क्यूब माइनस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब। इसको मुझे क्या करना है, इसका फैक्टर करके लिख देना है अच्छे से, ठीक है। तो सबसे पहली बात, यदि आप यहाँ पे गौर से देखोगे तो ये x प्लस वाई प्लस जेड होल क्यूब है, तो इसमें तो तीन टर्म है, x है, y है और z है, ठीक है ना। लेकिन पिछले क्लास में जो फॉर्मूले बताए थे मैंने वो सिर्फ दो के लिए बताए थे, a प्लस बी का होल क्यूब बताया था, है ना। लेकिन यहाँ तो तीन है, तो क्या करना चाहिए हमें। जैसे कि हमें पता है कि दो नंबर का एडिशन भी, जैसे x और y कोई भी दो रियल नंबर है तो उसको आप ऐड करोगे तो वो भी एक रियल नंबर ही होगा। तो x प्लस वाई को भी मैं एक नंबर लेट कर सकता हूँ, जस्ट एज a लेट कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले तो पिछले क्लास में जो फॉर्मूला बताया था वो क्या था हमारा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जो फॉर्मूला था, सॉरी ए प्लस बी होल क्यूब का जो फॉर्मूला था वो क्या था हमारा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी, ये फॉर्मूला बताया था आपको पिछले क्लास में, है ना। लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दो टर्म है, ए और बी, लेकिन इस क्वेश्चन में आप देखोगे ध्यान से तो तीन टर्म है। तो हम क्या कर लेंगे इस क्वेश्चन को फैक्टराइज करने से पहले या इसको आगे सिंप्लीफाई करने से पहले, एक्स प्लस वाई जो है उसको मैं एक सिंगल लिख लेता हूँ टर्म की तरह और जेड लिख लेता हूँ, ठीक है, इस तरीके से लिख लेते हैं। अब यहाँ पे x प्लस वाई को यदि मैं a की तरह और z को b की तरह लिखूं तो ये a प्लस बी होल क्यूब ही है, जहाँ पे a जो है वो x प्लस वाई है। आपको मैं यहाँ समझा रहा हूँ कि मान लेते हैं कि a जो है उसको हम x प्लस वाई लिख देते हैं और b को जो है वो z लिख लेते हैं, है ना, इस पार्ट के लिए बस। इधर तो आपके पास है ही x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब, बट इधर x प्लस वाई की जगह a और z की जगह मैं b लिख देता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी मैं अब स्टार्ट करूंगा इसको एक्सपेंड करना, तो a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब, दैट मीन्स x प्लस वाई का क्यूब प्लस b क्यूब, दैट इज z का क्यूब प्लस 3ab, a इज x प्लस वाई, b इज z मल्टीप्लाइड विद a प्लस बी, 3ab इंटू a प्लस बी, यही होता है ना फॉर्मूला। तो x प्लस वाई प्लस जेड लिख सकता हूं मैं ऐसे, माइनस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब, ये तो इधर माइनस के साथ है, उसको ऐसे ही रहने देते हैं। फिर इसको अब ये दो में आते हैं, x प्लस वाई का जो है ना वो होल क्यूब है आपके, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, फिर से वैसे ही। अब x और y को ए बी की तरह समझिए, है ना, तो x प्लस वाई होल क्यूब हो जाएगा कितना, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस थ्री ए बी, यहाँ पे x और y है तो 3xy into x plus y, plus z cube plus z cube plus 3 into x plus y into z into x plus y plus z। अब यहाँ x plus y से ब्रैकेट हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो उस तरीके से हटा के लिख दिया मैंने, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, इसको मैं सॉरी यहाँ पे जो है वो माइनस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब लिखा है ना इधर, तो आप देखिए यहाँ ध्यान से एक्स क्यूब वाई क्यूब और जेड क्यूब ये माइनस वाले साइन के साथ पूरा का पूरा जो है वो कैंसल आउट हो जाता है। मतलब क्या हुआ, सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट हो गया, सिंप्लीफाई करना हमने स्टार्ट कर दिया। तो अब जब ये सिंप्लीफाई हो रहा है इसका मतलब हम सही रास्ते पे जा रहे हैं। यदि सिंप्लीफाई नहीं होता और कॉम्प्लेक्स हो जाता चीजें तो इसका मतलब हम समझ जाते हैं कि ये जो तरीका हम यूज कर रहे हैं वो गलत है,
लेकिन यहाँ पे आप देखो ध्यान से, तो ये सिंप्लीफाई होना स्टार्ट हो गया है। इसका साफ साफ मतलब ये निकल रहा है कि ये जो है वो हम सही रास्ते पे जा रहे हैं, ठीक है ना। अब आगे इसको लिखते हैं, यहाँ से देखिए, यहाँ पे 3xy (x+y) है, तो क्या मैं इसमें से इसमें भी देखा हूँ एक्स प्लस वाई कॉमन, यहाँ कॉमन है x+y क्या है, इसमें भी है और वाले पूरे में भी x+y है। तो मैं क्या करता हूँ, 3 x + y जो है वो दोनों में ही देख रहा हूँ, 3 भी देख रहा हूँ दोनों में, x+y भी देख रहा हूँ, 3 x + y कॉमन ले लेता हूँ। इधर से कितना बचेगा, x y बचेगा, और उधर से जो बचेगा वो बचेगा, इसको तो बाहर निकाल लिया मैंने, इधर बचेगा z x + y + z। लिख सकता हूं ऐसे, तो एक तो फैक्टर मुझे दिखने भी स्टार्ट हो गया x + y, और इधर ही बचा है बस। अब इधर क्या करेंगे, सबसे पहले तो मैं यहाँ x y, इसको z x लिख देता हूँ, है ना, इसको z y मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, z x, z y, z y + z² क्लियर। यहाँ हो गया आपका 3 x + y। यहां से मुझे दिख रहा है कि x मैं कॉमन ले सकता हूँ, तो y + z आ जाएगा, और यहां से यदि मैं z कॉमन लूँ तो फिर से y + z आएगा। इसका साफ साफ मतलब समझ में आता है कि y + z जो है वो यहाँ से कॉमन निकल सकता है। तो x कॉमन लिया तो y + z, देखो इन दोनों में x है, दोनों को वैसे x आप बाहर निकालोगे तो y + z, प्लस यहां से यदि आप z बाहर निकालोगे तो क्या आएगा, y + z, क्लियर। That is equal to 3 x + y, और यहां से देखिए y + z, और यहां भी y + z, तो यदि मैं y + z यहां से कॉमन ले लूं तो बचेगा क्या, x + z, दिख रहा है ना, x इधर बचेगा, y + z यहां से और यहां से दोनों में है, तो उसको बाहर निकाल लिया, तो इधर से क्या बचा x, और इधर से क्या बचा z। तो ये जो है इसको मैं थोड़ा सा डेकोरेट कर लेता हूं, क्योंकि तो अच्छा दिखने के लिए भी तो चाहिए ना, अच्छा दिखना जरूरी है। x + y (y+z) (z+x), क्योंकि एक्स वाई जेड फिर से जेड से पीछे की तरफ एक्स आता है ना, तो साइक्लिक ऑर्डर में रहता है तो थोड़ा सुंदर दिखता है, समझ रहे हैं ना बात। तो इसको हम इस तरीके से फैक्टराइज कर लिए। तो ये जो तरीका है इसमें आपने देखा, हमने a+b होल क्यूब के फॉर्मूले जो है वो दो बार लगाए, तो ऐसे क्वेश्चन करने से हमारा जो फॉर्मूला है वो याद हो जाता है, हमारे अंदर हमारे जो है ना वो ब्लड में आ जाता है, जिससे कि हम हमेशा उसको याद रख सकते हैं, ठीक है। अभी दूसरा क्वेश्चन मैं यहाँ पे उसी तरीके का कर रहा हूँ, जैसा कि पिछले क्लास में जैसे फॉर्मूले बताए थे, तो कैसे फैक्टराइज करें उसको यदि हम कर लेंगे तो बहुत सारा चीजें जो है वो आसान हो जाएगा। देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन, आप नोट कर लीजिएगा, इसको वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा, जहां समझ में नहीं आता है वो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूं, जिसमें है फैक्टराइज्ड एक्सप्रेशन 1 x^4 + x^8। इसको क्या करना है हमें, इसको जो है वो फैक्टराइज करना है फिर से, पर यहां पे आप देखिए यहां पे सबसे बड़ा पावर 8 है, फिर 4 है, ये 1 है, लेकिन खास करके जब इस तरीके की चीजें होती है तो मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ x^8 पहले, फिर x^4, फिर 1, है ना, ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं है, एडिशन में है, a+b = b+a कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है एडिशन, है ना, तो आप उसी को भी किधर भी लिख दें उससे फर्क नहीं पड़ता। हाँ वही चीज ये माइनस में होता, मान लीजिए यहाँ माइनस होता तो आप उसको नहीं चेंज कर सकते थे, ठीक है ना, ऐसे नहीं कि x^8 पहले लिख लिया फिर -x^4 लिख लिया, ऐसे नहीं। तो एडिशन में आप 2+3 = 3+2 जानते ही हैं, तो इसलिए हम कोई भी पहले या बाद में लिख सकते हैं। फिर बात आती है कि इसको कैसे हम सिंप्लीफाई करें, तो एक बात है कि x^8 इंडेक्स का रूल आप जानते हैं ना, x^m (whole^n) जो होता है वो होता है x^m (m), क्लियर। तो ये हमें पता होना चाहिए, इंडेक्स का रूल भी मैं आपको वीडियो लेक्चर्स के अंदर बाद में डिस्कस करूंगा, बट अभी के लिए ये बेसिक जो है वो हम यहाँ यूज कर रहे हैं, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। तो x^8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, x^4 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है लिखने में, x^8 को लिख सकते हैं x^4 होल स्क्वायर + x^4 + 1।
बट अभी भी कुछ होता हुआ नहीं दिख रहा है, तो एक काम करते हैं, इसको मैं x टू द पावर 4 का होल स्क्वायर लिखता हूं प्लस x टू द पावर 4 एक ही है, यदि यहां 2 होता मतलब 2 इंटू 1 इंटू एक्स टू द पावर 4 ऐसे समझिए, और ये तो 1 का स्क्वायर ही है ना, 1 का 1 को मैं 1 का स्क्वायर लिख सकता हूं, ये 1 ये x टू द पावर 4, और क्योंकि यहां पे 2 x टू द पावर 4 हो गया है तो एक x टू द पावर 4 बैलेंस करने के लिए यहां से माइनस भी कर देते हैं। एक्चुअली इसको कहते हैं मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर, मतलब ये था तो नहीं परफेक्ट स्क्वायर बट इसके कुछ पार्ट को हम परफेक्ट स्क्वायर क्रिएट कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं, यदि मैं इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab उसके जैसा लिखने की कोशिश कर रहा हूं, ट्राई टू एक्सप्रेस, तो इसमें बहुत ज्यादा आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको पता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए इंटू बी ऐसा लिखना पड़ेगा, तो 2 एक था 2 बना दिया और एक माइनस कर दिया, ठीक। और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखिए इसको हम लिख सकते हैं एक्स टू दी पावर 4 को यदि आप ए समझे और 1 को यदि बी समझे तो ये क्या है ए का स्क्वायर है ना, इसको पूरे को ए कह रहा हूं मैं, इसको बी कह रहा हूं, तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 ए इंटू बी, इसका मतलब ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस प्लस बी स्क्वायर कितना होता है, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, याद होगा आपको। तो अब हम ना उल्टा लगा रहे हैं, पहले तो हम सीधा सीधा फॉर्मूले लगाते हैं ए प्लस बी होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, लेकिन यदि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो तो उसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं ना, तो इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स टू दी पावर 4 प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस एक्स टू दी पावर, लिख सकते हैं, बहुत आसान हो गया, दिखने लग गया कुछ कुछ चीजें, लेकिन अभी भी क्या है कि यहाँ पे जो है वो होल स्क्वायर है, यहाँ तो पावर 4 है, तो एक बार को ऐसे लिख लेता हूँ एक्स टू दी पावर 4 प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, एक्स टू दी पावर 4 को फिर से मैं इंडेक्स करूँ लगाऊंगा तो लिख सकता हूँ इस तरीके से ना, देख रहे हो ना। अब देखिए यहाँ ये पिछले क्लास में पढ़ा था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस, पढ़ा था ना हमने ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब यदि मैं एक्स टू दी पावर 4 प्लस 1 को ए कहूँ और एक्स स्क्वायर को बी कहूँ, किसको, इस पूरे को ए और इस पूरे को अंदर में जो है उसको बी, तो अब फिर से ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा है, तो इसको मैं लिखूंगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए प्लस बी दैट इज ए की जगह पे तो एक्स टू दी पावर 4 प्लस 1 प्लस बी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी फॉर्मूला होता है, देखिए पहले ए प्लस बी लिखना है आपको, ए प्लस बी दैट इज ए को लिख लिया प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब एक्स टू दी पावर 4 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर से ध्यान से देखें तो ये क्या है, फिर से वैसा ही कुछ दिख रहा है मुझे जैसा ये था यहाँ पे, ठीक है ना, 1 प्लस यहाँ पे भी 8 था, यहाँ 4 था, यहाँ 4 है, यहाँ स्क्वायर है, तो इसको ना फिर से मैं एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को की जगह अभी तो मैं एक्स स्क्वायर ही लिख लेता हूँ प्लस 1 और ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू दी पावर 4। इसको अब आप आगे फैक्टराइज नहीं कर सकते क्योंकि ये जो दिख रहा है ना आपको उससे ज्यादा इसको आप सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि इसको आप ए माइनस बी होल स्क्वायर पर तो लिख ही नहीं पाओगे और लिखोगे तो फिर ये फैक्टर नहीं रहेगा, ठीक है, तो इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। इसको कर सकते हैं, लेकिन इसको क्या कर सकते हैं, इसको फिर से मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, फिर से पिछली बार की तरह मैंने 2 मल्टीप्लाई किया तो ये 2 बन गया और एक जो है इसमें से एक्स स्क्वायर मैं माइनस कर देता हूँ, लिख सकता हूँ इस तरीके से एक्स स्क्वायर तो एक ही था ना, 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर माइनस कर दिया, और फिर इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू दी पावर 4। और जहां तक आप फिर से समझेंगे तो फिर से एक्स इस बार एक्स स्क्वायर प्लस 1 को ए और एक्स को बी, एक्स स्क्वायर को नहीं एक्स को बी यदि लिखेंगे तो मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू दी पावर 4। क्लियर, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है
उसका फैक्टराइजेशन हो गया है और ये सॉल्व हो गया है। तो ये इसमें हमने बहुत सारे फॉर्मूले सीखे, एक तो इंडेक्स का रूट तो सीखा हमने, दूसरा ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले लगाए, और खास करके हमने परफेक्ट स्क्वायर बनाना भी इस क्वेश्चन से सीखा है। तो बहुत सारी चीजें जो कैलकुलेशन आसान कर देगी उसको हम यहाँ पे सीख रहे हैं, और इसी तरीके से हम क्वेश्चन और भी करते हैं आज की क्लास में। एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर मैं कुछ एक आपको नई जो फंडामेंटल थिंग्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये देखिए आप, ये जो क्वेश्चन है वो हम सॉल्व करने वाले हैं यहाँ पे। इफ ए एंड बी आर पॉजिटिव इंटीजर एंड ए स्क्वायर माइनस बी टू दी पावर 4 इक्वल टू 2009, फाइंड ए एंड बी। ये एक इक्वेशन हमारे पास गिवन है जिसमें ये पहले ही लिखा हुआ है कि ए और बी क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स है। पॉजिटिव इंटीजर आप लोग सब लोग जानते हैं, नेचुरल नंबर को ही हम पॉजिटिव इंटीजर्स कहते हैं, जैसे लाइक 1, 2, 3, 4, 5, 6, दीज आर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। तो यहाँ पे ए और बी क्या है, 1, 2, 3, 4 है ना, ये सब मतलब कोई भी लाइक काउंटिंग नंबर जिसको कहते हैं वो हमें गिवन है कि ए और बी उन्हीं में से कोई है। और ये इक्वेशन हमारे पास गिवन है, ए स्क्वायर माइनस बी टू दी पावर 4 इक्वल टू 2009, और इसमें ए और बी निकालना है। तो इसको सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करने से चलिए सबसे पहले तो जो लिखा हुआ है क्वेश्चन वही लिख लेते हैं, है ना। तो क्या दिया हुआ है, ए टू दी पावर 2 ए स्क्वायर माइनस बी टू दी पावर 4 इक्वल टू 2009 दे रखा है, और इसको मुझे क्या करना है, ए और बी निकालना है, जहां ए और बी क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स है। तो पहले तो मैं इसको फैक्टराइज कर सकता हूँ बहुत इजीली। इस बार देख लो आप, ए स्क्वायर माइनस बी टू दी पावर 4 है, तो इसको मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल टू 2009 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। अब इसमें यदि मैं इसको देखूं, ये नंबर देखूं, इसका होल स्क्वायर है और इस पूरे का होल स्क्वायर है, लाइक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला आप कैसे लगाओगे, तो यहाँ पे इसको ना एक्स की तरह समझिए, ये एक्स स्क्वायर माइनस इसको वाई, बी स्क्वायर को वाई की तरह, जैसे आप समझिए एक्स को ए को मैं x लेट कर लेता हूँ और y की जगह b स्क्वायर की जगह y लेट कर लेता हूँ। तो ये एक तरीके से क्या है, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, और ये होगा x प्लस y इंटू x माइनस y, होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं ना, इसको क्या लिख सकते हैं, x प्लस y दैट इज a प्लस b स्क्वायर इंटू a माइनस b स्क्वायर इक्वल टू 2009 लिख सकते हैं हम लोग, ऐसा लिख सकते हैं। बट प्रॉब्लम क्या है, इनसे इससे कुछ नहीं होने वाला, मतलब इससे वैल्यूज हम ए और बी की नहीं निकाल सकते। तो थोड़ा सा जो है वो मैथमेटिक्स लगाते हैं कि क्या मैं 2009 को फैक्टराइज कर सकता हूँ इसी टाइप से, तो मुझे थोड़ा बहुत आइडिया लग सकता है। तो हम कोशिश करना स्टार्ट करते हैं। तो 2009 यदि मैं देखूँ कि 2009 किससे डिविजिबल है, मतलब डिवाइड करना स्टार्ट करता हूँ मैं, और उसके प्राइम फैक्टर्स में या सिंपली कोई भी फैक्टर जो इसका मिल जाता है उसमें लिख लेते हैं सबसे पहले, इवन यू कैन राइट इट इनटू द प्राइम फैक्टर्स। तो क्या ये 2 से डिविजिबल है, नहीं है, 9 है लास्ट में, तो 2 से डिविजिबिलिटी का टेस्ट आपको पता होगा कि लास्ट में या तो 2 हो या तो 0 हो, लाइक 2, 4, 6, 8 कोई सा भी इवन नंबर यदि लास्ट में है तो 2 से डिविजिबल होता है। 3 से डिविजिबल होने के लिए टेस्ट आपको पता होगा, ये 3 से भी डिविजिबल नहीं है। 3 से डिविजिबिलिटी का जो टेस्ट है वो ये है कि सम ऑफ द नंबर्स जो है वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए, लेकिन 9 + 2 + 0 + 0 दैट इज 11, नॉट डिविजिबल बाय 3। 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट, लास्ट का जो 2 डिजिट होना चाहिए वो 4 से डिविजिबल होना चाहिए। 5 के लिए तो 5 लास्ट में है तो 0 होना चाहिए, तो 5 से भी डिविजिबल नहीं है। 6 से डिविजिबल होने के लिए 2 और 3 से डिविजिबल होना चाहिए था, तो वो भी नहीं निकला ये। तो क्या 7 से डिविजिबल है, तो उसके लिए 7 से डिविजिबिलिटी इसका स्टार्ट करते हैं। तो 7 × 2 = 14, 6 × 60, 7 × 2 = 14, और रिमाइंडर कितना बचा 6, तो 6 × 0 = 60, 7 × 56, 7 × 56, 4 बचा रिमाइंडर 49, 7 × 7 = 49, 287 आ गए, ठीक है। फिर से मैं देख रहा हूँ कि 7 से बहुत इजी जा रहा है, तो 7 × 4 = 28, 7 × 1 = 7, तो ये सब प्राइम
2009 को मैं लिख सकता हूँ 7 × 7 × 41 = 2009। और दो मैं लिखना चाहता हूँ, दो मल्टीप्लीकेशन में लिखना चाहता हूँ, तो मैं देख रहा हूँ 49 × 49 लिख सकता हूँ, दो में लिखना चाहता हूँ, ऐसे भी लिख सकता हूँ 41 × 7, जो भी निकाल करके आएगा वैसे भी लिख सकता हूँ 7 × 7 × 7 है ना। बट ये हिट एंड ट्राई ही है, इसलिए मैं एक बार को 49 × 41 = 2009 देख रहा हूँ कि लिख पा रहा हूँ, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं ऐसे लिखूं a + b² × a - b² 49 पहले लिख रहा हूँ और 41 बाद में, क्योंकि ये नंबर ऑब्वियसली ज्यादा होगा इसके कंपेयर में, क्योंकि यहाँ प्लस है यहाँ माइनस का साइन है, तो 49 मैंने पहले लिखा है। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a + b² × a - b² = मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको मैं इस तरीके से लिखने की कोशिश करता हूँ। तो आप बताओ कि क्या मैं यदि थोड़ा सा दिमाग लगाए तो 49 है, हिट एंड ट्राई कर रहे हैं। पहली बार ही मैंने आपको बता दिया कि इसमें थोड़ा सा दिमाग आपको दौड़ाना है, चलाना है कि क्या लिख सकता हूँ मैं 49 को, मैं a + b² में कैसे लिखूँ। तो 45 + 2² 45 + 4 कितना होता है 49 होता है। तो क्या मैं 49 को 45 + 2² लिख सकता हूँ, जैसा कि मुझे दिख रहा है और a की वैल्यू 45 और b की जगह मैं 2 ले रहा हूँ, तो 45 + 2² 4 = 49। और उसी तरीके से इसमें भी हिट एंड ट्राई करने से थोड़ा सा ही दिमाग लगाने से मुझे पता चला कि 45 में से 2 का स्क्वायर दैट इज 4 माइनस करने से 41 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे मुझे साफ साफ समझ में आ रहा है कि इसका मतलब है कि a की वैल्यू 45 और b की मुझे वैल्यू 2 होनी चाहिए। कंपेयर जब आप करोगे ना, कंपेयरिंग बोथ साइड यू गेट a = 45 and b = 2, तो दैट इज द आंसर। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो ये दो तीन प्रॉब्लम आज के क्लास में मैंने आपको जैसे करवाए हैं, तो उसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, और जिससे कि फॉर्मूले जो है हमारे बहुत सारे जो फॉर्मूले हैं वो हमने इसके अंदर डिस्कस किए हैं, वो भी अच्छे से आप लर्न कर लीजिए उसको, जिससे कि हमें आगे जो हम पढ़ेंगे उसमें हमें दिक्कत ना हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो जिनको दिक्कत होती है थोड़ी सी लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने में, जैसे मान लीजिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जैसे x और y में एक इक्वेशन दिया हुआ है 2x + 3y = 5 और दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है 4x - 7y = 23। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, तो इसमें x और y निकालना होता है, तो कैसे निकालें, हाउ टू फाइंड, क्या आसान तरीका है कोई। एक और कॉन्सेप्ट जो कि डिस्कस करने वाला हूँ इस क्लास के अंदर आज के लेक्चर में, दैट इज सॉल्विंग लीनियर इक्वेशंस बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इन जनरल आप सब लोगों को नॉर्मली आइदर सब्स्टिट्यूशन मेथड से या एक इक्वेशन दिया हुआ है दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है तो किसी एक को मल्टीप्लाई करके एडिशन और सब्सट्रैक्ट करते हुए सॉल्व करना आता होगा। बट एक जो तरीका जो कि क्लास 11th में बहुत सारे जो अलग अलग चैप्टर्स हैं हमारा मैथमेटिक्स का हो या फिजिक्स का हो या केमिस्ट्री का हो किसी में भी, जिसमें इक्वेशंस को सॉल्व करना यदि आपको बहुत जल्दी से आता है तो आप क्वेश्चंस बहुत आसानी से तेजी से कर सकते हैं, कैलकुलेशन फास्ट कर सकते हैं, तो दैट इज कॉल्ड क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। तो आज मैं लीनियर इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से किस तरीके से आसानी से सॉल्व करें आप उसको डिस्कस करने वाला हूँ यहाँ पे। उसके लिए सबसे पहले मैं वो मेथड आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड फॉर सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स ये डिस्कस करने वाले हैं। तो सपोज देर आर टू लीनियर इक्वेशन a1x + b1y = c1, x एंड y आर वेरिएबल, a1, b1, c1 आर एनी थ्री
numbers, real numbers. And the another equation is, this is equation number 1. Another equation is a2x plus b2y. And for the simplification, I will take it c1 equal to 0, okay? And plus c2 equal to 0. इधर की साइड में c1 हो तो इस साइड लेकर के आ जाना है. एड्रेस कोई भी नंबर है तो उसको लेफ्ट साइड से राइट साइड में आप सॉरी राइट साइड से आप उसको लेफ्ट साइड में लेकर के आ जाएंगे सबसे पहले, तभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप लगाएंगे. ठीक, तो इस तरीके से दो इक्वेशन यदि गिवन है तो हम क्या कैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, क्या है उसका फॉर्मूला और किस तरीके से जल्दी कर सकते हैं हम उसको. तो देखिए यहाँ पे x जैसे है तो पहले x लिख लीजिए और उसके नीचे डिनोमिनेटर में ब्लैंक रहने देता हूँ. अभी y लिख लीजिए डिनोमिनेटर में ब्लैंक रहने देता हूँ. अभी यहाँ 1 लिखेगा है, यहाँ पे क्या है वेरिएबल नहीं है तो उसके लिए 1 लिख लीजिए यहाँ पे और यहाँ ब्लैंक रहने देता हूँ. अब देखिए x के नीचे जो डिनोमिनेटर है उसमें क्या लिखना है आपको, कौन सा नंबर लिखना है. x वाले को जो है वो डिलीट कर दीजिए, मतलब यहाँ पे मैं ढक दे रहा हूँ. इधर बचा हुआ क्या है b1 b2 c1 c2, है ना, इधर बचा हुआ है तो इसको क्या करना है b1 into c2, मतलब इसका जो y का जो कोफिशिएंट है b1 और इधर जो कांस्टेंट है वो मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देना है b1 c2 minus b2 c1. क्या लिखना है आप ध्यान से देख रहे हैं, b1 c2 minus b1 c2 minus b2 c1, ऐसे. ठीक है, फिर इसके बाद y के नीचे क्या लिखो, गया y पे जाओ और उसको y वाले को जो है वो उधर के लिए भूल जाओ. और फिर y वाले में एक चीज ध्यान रखना है कि आप जैसे इधर तो ऊपर से नीचे कर रहे थे, यहां मतलब लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ जा रहे थे, यहां पे क्या करना है इधर जो ये a2 c1 है ना, नीचे वाले से ऊपर की तरफ पहले लिखना है a2 c1 माइनस a1 c2. इसको तो आप भूल चुके हैं, a2 c1 माइनस a1 c2, मतलब a2 c1 पहले और फिर a1 c2, इस तरीके से समझ रहे हैं. तो ये लिख लेना है और फिर जब 1 बचे इसका मतलब c1 c2 वाला उसको रख देना है और फिर इधर की तरफ आना है. इस बार वैसे ही करना है जैसे शुरुआत में स्टार्ट किया था, b1 c2 माइनस b2 c1 किया था. y वाले में बस ध्यान रखना है कि a2 c1 माइनस a1 c2 लिखना है आपको, लेकिन c1 c2 जब अब इसके लिए लिख रहा है 1 के लिए, लाइक इसको जब डिलीट करना हो तब फिर नॉर्मली भी लिखना है आपको a1 b2 माइनस a2 b1. तो इस मेथड को क्या कहते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड कहते हैं. वैसे तो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, यू कैन से 3-4 तरीके तो हैं ही, लेकिन सबसे जल्दी जो सॉल्व होता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो इक्वेशन यदि दो वेरिएबल में गिवन है, दो वेरिएबल होंगे तो दो इक्वेशन की जरूरत होती है, तीन वेरिएबल का है में यदि लीनियर इक्वेशन गिवन है तो तीन इक्वेशन की जरूरत होती है, फोर वेरिएबल में फोर इक्वेशन की जरूरत होती है. ठीक है ना, तो बहुत सारे तरीके हैं. बाद में तो जब आप क्लास 11 12 में आते हैं तो मैट्रिसेस डिटरमिनेंट एक टॉपिक है, वहां पे भी आप ये और आसानी से कर सकते हैं सॉल्व. बट अभी जहां तक कैलकुलेशन की बात है तो कैलकुलेशन में आप मैट्रिक्स डिटरमिनेंट के कॉन्सेप्ट को यूज नहीं करते हैं, क्योंकि उसको समझने के लिए आपको 12th में जाना पड़ता है. उससे पहले बाकी जो जगह पे आप लगाएंगे लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का तरीका, उसको इस तरीके से याद रख लीजिएगा अच्छे से. ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन इस पे करवा रहा हूँ जो कि कैसे सॉल्व होगा देखते हैं. ठीक है, तो पहले तो मुझे एक क्वेश्चन को नोट कर लेना सब लोग. क्वेश्चन इज सॉल्व और यू कैन से फाइंड x एंड y, वेयर द इक्वेशन इज 2x + 3y = 7 and the other equation is 4x + 5y = 13. ये दो लीनियर इक्वेशन आपको दिख रहे होंगे, इन दोनों लीनियर इक्वेशन से मुझे x और y फाइंड आउट करना है. तो जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारे तरीके हैं, जैसे x की वैल्यू इधर सब्स्टिट्यूट करके y निकाल सकते हैं, दूसरा तरीका ये हो सकता है कि फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके और फिर सब्स्ट्रैक्ट करें
तो y निकलेगा और फिर x की वैल्यू निकाल सकते हो आप। उन सब में टाइम टेकिंग है, दैट इज बहुत टाइम लग जाता है और हमें क्या करना है, टाइम ही सेव करना है। कहीं ना कहीं हमें क्या करना है, कैलकुलेशन बहुत जल्दी करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे इक्वल टू 7 से इस 7 को इधर ले आएंगे और 13 को इधर ले आएंगे, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे दोबारा से लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है उसमें आपको टाइम सेव भी करना होता है। तो आप जो है इक्वल टू को ही माइनस बना लेते हो, या तो पेन पेपर बेस्ड प्रॉब्लम है तब तो ठीक ही है, और नहीं है तो आप मन में ही सोच सकते हैं इसको कि मैं क्वेश्चन दोबारा नहीं लिखूं, क्वेश्चन में से ही इसको 7 को इस साइड ले आऊंगा, तो ये माइनस 7 इक्वल टू 0 लिख सकता हूं, और इसको माइनस 13 इक्वल टू 0 लिख सकता हूं। अब यहां पे मुझे डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना है, तो कैसे लिखूंगा देखते जाइए, एक्स वाई और इधर 1 लिख देना है, ठीक। और जल्दी से हम इसको फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, तो x वाला यदि हटाया तो 3 इंटू माइनस 13, वैसे तो मन में कैलकुलेशन आप कर सकते हो बट फिर भी मैं अभी लिख दे रहा हूं, 3 इंटू माइनस 13 माइनस 5 इंटू माइनस 7, 5 इंटू माइनस 7, ये हो गया आपका x के जो डिनोमिनेटर में जाएगा। y में डिनोमिनेटर में आपको क्या बताया था मैंने, आपको इधर से देखना है, 4 इंटू माइनस 7, 4 इंटू माइनस 7 माइनस 2 इंटू माइनस 13, 2 इंटू माइनस 13, फिर 1 वाले में जब आप जाओगे तो आपको इसको ढक देना है, 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 माइनस 4 इंटू 3, समझ में आ रहा होगा आपको किस तरीके से कर रहे हैं। पहले तो b1 c2 माइनस b2 c1 वाला जो होता है x के नीचे, y के नीचे क्या होता है, a2 c1 माइनस a1 c2 वो रहता है, और 1 के नीचे क्या रहता है, a1 b2 माइनस a2 b1। एक बार आप फिर से उस जो बताया है उसको एक बार देख लीजिएगा तो आपको समझ में आएगा किस तरीके से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे मैं डायरेक्टली कैलकुलेशन कर सकता था, लेकिन बताने के लिए मैं थोड़ा सा आपको जो है वो समझा रहा हूँ कि माइनस 39 है ये, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे 5 × 7 = 35। ये मन में आप कैलकुलेशन कर सकते हो, सिंपल एडिशन सब्सट्रैक्शन है, यू कैन डू इट फास्टली। तो यहाँ पे माइनस 28 और ये कितना है, प्लस 26 है, 13 × 2 = 26 माइनस माइनस प्लस, ये कितना है, 10 − 12 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा x डिवाइडेड बाय माइनस 39 प्लस 35 माइनस 4 माइनस 2 माइनस 28 प्लस 26 इज माइनस 2 एंड 1/10 − 12 − 2। यहां से इसको और इसको कंपेयर करिए पहले, तो आपका x निकल जाएगा, ठीक है। तो x कितना होगा, इसको और इसको समझ साथ में देखिए, तो x हो जाएगा माइनस 4/-2, हो गया ना, x इक्वल टू ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 4 ऊपर और नीचे माइनस 2, और y कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा माइनस 2 ऊपर फिर नीचे भी माइनस 2, माइनस 2/-2 दिख रहा है आपको, देख लीजिए ध्यान से। तो यहां से x की वैल्यू जो है वो माइनस माइनस कैंसिल होगा, 2 × 4 x इक्वल टू कितना आ गया, 2 माइनस माइनस कैंसिल होगा, 2 × 2 तो y की वैल्यू 2 आ गई, x इज टू y इक्वल टू 1। तो इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का जो प्रॉब्लम है, सॉरी लीनियर इक्वेशन का जो प्रॉब्लम है वो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आप देख रहे हो किस तरीके से कैलकुलेशन आप फास्ट कर सकते हो। लीनियर इक्वेशन तो लीनियर इक्वेशन जो है वो तो आपका कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो वहां पे आएगा ही आएगा, और इसको सॉल्व करने के लिए आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यदि यूज करते हैं तो आप उस क्वेश्चन को जिसमें आप 2-3 मिनट आप वेस्ट करते उसको वो सेव कर सकते हैं, 2-3 मिनट आप सेव कर सकते हैं, 2 मिनट तो सेव हो ही जाएगा आपका, ठीक है ना। और कैलकुलेशन यदि आप फास्ट कर लेंगे तो उससे भी कम टाइम में आप इसको कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं कुछ और कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा इसी से रिलेटेड भी, और अलग से भी कुछ नया कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे जिससे कि आपका कैलकुलेशन और फास्ट हो जाए, और आप जो इन एंट्रेंस एग्जामिनेशन में जिसकी ज़रूरत है वो आप जल्दी से चीज़ों को ग्रैब कर सकें और सीख सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड आप सभी लोग जो भी आपको असाइनमेंट दिया जाएगा इस वीडियो लेक्चर के बाद
उसको अच्छे से करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर दीजिएगा, कोई डाउट होने से आप डायरेक्टली उसको मेरे से पूछ सकते हो।